कस्बा स्थित करारी इंटर कॉलेज में द्वाबा विकास और उत्थान समिति संस्था के द्वारा करारी शिक्षण संस्थानों ने बालिका सुरक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन किया। बालिका सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डीएम मनीष कुमार वर्मा ने बालिकाओं की सुरक्षा के लिए विशेष जानकारियां दी। गोष्ठी को संबोधित करते हुए विद्यालय प्रधानाचार्य मन्नू मिश्रा ने कहा कि किसी भी प्रकार के मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न को छिपाया नहीं। उन्होंने बालिकाओं से अपील की है कि वो गांव में जाकर महिला हेल्पलाइन के नंबरों को महिलाओं और बालिकाओं को बताकर जागरूक करें। संस्था के सचिव परवेज रिजवी ने कहा कि बेटियां किसी भी मामले में बेटों से कम नहीं हैं। उन्होंने आंख बंद कर किसी भी रिश्तेदार या पड़ोसी पर विश्वास ना करने को कहा। किसी भी परिस्थिति में बेटियां डरे नहीं बल्कि उसका डटकर मुकाबला करें। इस मौके पर करारी इंटर कॉलेज के अलावा मदर इंडिया इंटर कॉलेज, रियाज इंटरमीडिएट कॉलेज सहित कई स्कूल के छात्र छात्राओं ने बालिका सुरक्षा को लेकर एक रैली निकाली। प्रधानाचार्य मन्नू मिश्रा ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। संस्था बन जाती हैं लेकिन जमीनी स्तर पे काम कुछ भी नहीं करती हैं, लेकिन इस संस्था ने काफ़ी अच्छा कार्य किया और इसके लिए मैं परवेज साहब को और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा किया है। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य यह है कि बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़े जी। जो वो थोड़ा सा भी छेड़खानी किसी लड़के ने कहा तो चुप्पी साध लेती हैं कि हम अगर घर में बताएंगे तो माता पिता हमें कहेंगे कि बिटिया स्कूल न जाओ, कौन वहाँ रखवाली करने जाएगा रास्ते में। तो उससे जो है कम से कम आत्मबल उनको मिला कि वो जो भी नंबर हैं, वैसे तो मैं बताती हूँ प्रार्थना स्थल से उनको, लेकिन इतने सारे हमारे जो ऑफिसर शायद डीएम साहब भी आए, बाकी जो स्वयंसेवी संगठन के लोगों ने बताया, उससे उन पर उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, आत्मविश्वास में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। और ये सरकार का जो कार्यक्रम है ये वास्तव में सराहनीय है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दिशा में ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। जो मैडम जी शासन द्वारा एंटी रोमियो टीम गठित की गई है, क्या वो गाड़ियाँ दिखाई देती है क्षेत्र में विद्यालय के आसपास? एंटी रोमियो दल कभी कभी जो है छुट्टियों के समय में यहाँ पर गेट पर आते हैं और कभी कभी साल में 2-3 बार पूछने भी आते हैं यहाँ पर कि मैडम कोई समस्या तो नहीं है। तो हमारे स्तर से कोई समस्या वैसी रह तो है नहीं यहाँ गेट के पास में। रास्ते में जो मुझे जानकारी मिलती है तो मैं बता देती हूँ कि इधर का एरिया सुनसान है, उधर आपके टीम की ज़्यादा आवश्यकता है। जी जी।